मैं जानना चाहता हूँ, जो देवरिया जिला में कांड हुआ है बालिका संरक्षण गृह का, तो इस घटना के प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, जो देवरिया में कांड हुआ है जी, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए जी सबसे शर्मनाक है जी। और ये कांड सरकार से मिल करके, सरकार का मिलीभगत कांड हुआ है जी। ऐसी बात नहीं है जी कि उस देवरिया कांड में केवल संस्था की गलती जी, उसमें सरकार के द्वारा पूरा मिल करके जी 2 साल पहले उस बाल संरक्षण गृह को बंद करने का आदेश हो गया जी। उसके बाद में पुलिस के द्वारा वहां बच्चियां जाती थी जी, CWC का आदेश होता था जी। 1 जून 2017 को संस्था की मान्यता खत्म कर दी गई थी जी। उसके बाद भी वहां लगातार बच्चियां जाया करती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसे नहीं जानती थी? आज ये वर्तमान सरकार ये कर रही कि पिछली गवर्नमेंट की ये कमी है जी। तो पिछली गवर्नमेंट की अगर कमी रही है जी, तो 1.5 साल से 2 साल से आप बैठे हो जी, आप क्या घास छील रहे हो? अगर एक चौकीदार गड़बड़ निकल गया, जब दूसरा चौकीदार बैठा तो क्या कर रहा था इतने दिन में जी? आपका पुलिस प्रशासन जानता है, आला कमान जानता है, प्रमुख सचिव महिला कल्याण की मेनका, ये क्या नाम उनका है, रेणुका चौधरी जी जानती हैं जी, DM जानता है, वहां का DPO जानता है, सारे अधिकारी जानते हैं जी। सारे लोग मिलकर के मलाई काट रहे थे जी। और सारे लोगों से मिलकर के ये स्थिति बनाई गई उस बाल की जी। गिरजा त्रिपाठी की बाल गिरा थी जी। और मैं गिरजा त्रिपाठी से 2007 से परिचित जी, मैं जानता हूँ गिरजा त्रिपाठी को, बुजुर्ग महिला है, एक समाज सेविका है जी। वो इतना गलत नहीं कर सकती जी। लेकिन जितनी गलती हुई है जी, इस पूरी गलती में सीधी सीधी सरकार दोषी है जी। सरकार की पूरी कमी है, सरकार जानती थी जी। सरकार भी मलाई काट रही थी जी। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि 21 में 19 बालिका वहां से गायब हो गई, वो बच्चियां कहां गई जी। मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को जी, या अपने DM को हटा दिया, DPO को जेल भेज दिया जी, DPO को सस्पेंड किया जी, संस्था संचालिका को आपने जेल में डाल दिया जी, आप अपनी छवि बना रहे हो जी। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें सबसे बड़ी कमी आपकी है जी, और आपकी गवर्नमेंट की जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सारे लोग मिल करके ये काम कर रहे थे जी। नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे देते तो बेहतर है। इस्तीफा तो उनको देना ही अब चाहिए मंत्री जी, क्योंकि जो व्यक्ति देश नहीं संभाल सका, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ का नारा लगाया है, बेटियां यहां से गायब हो रही है, उसको पता नहीं है इतना देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपका ये कहना कि पूरे सरकार का जिम्मेदार है, पूरा सरकार इसकी जिम्मेदार, पूरी सरकार। और सर, मैं सुना हूँ कि आजमगढ़ में आप भी बालिका संरक्षण गृह चलाते थे, जो इस समय काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो इसका कारण क्या है? कारण देखिए, 2007 में मेरी बाल गिरी और गिरजा त्रिपाठी की बाल गिरी एक साथ चालू हुई जी, मेरी और उनकी एक साथ मान्यता मिली जी। और 2007 से 2015 तक मेरा बाल गिरा चला जी, लेकिन 1 पैसे का कभी धाना वंटन उसमें नहीं किया गया जी। और सरकार गोबर खा रही थी, मैं जिस तरीके से कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को शर्म नहीं आई, तीसरे दिन जांच करवा रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए हो कि जो बच्चियां बाल गिरा के अंदर 54 बच्चियां 55 बच्चियां 60 बच्चियां 46 बच्चियां, वो बच्चियां उसमें कैसे भोजन कर रही है जी। आज तक सरकार ने कभी इस बिंदु पर विचार नहीं किया। मैंने पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मिला था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे लेटर पर तुरंत कार्रवाई कर दिया और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आप मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। लेकिन न तो मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन किया गया, हालांकि मैंने काफी प्रयास किया था, रेणुका चौधरी जी उस समय भी प्रमुख सचिव थी, मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि मैडम माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल मैं कार्रवाई करूंगी जी। बापू भवन से और जवाहर भवन की दूरी 1 किलोमीटर की है जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लेटर पर कार्रवाई करने में 6 महीना लग गया जी। 6 महीने में लेटर आता है निदेशालय में, जवाहर भवन में, और उसके बाद में जवाहर भवन की जब कार्रवाई शुरू होती तब तक 11 महीना बीत गया, चुनाव की घोषणा हो गई। और ये सरकार ब्लेम लगा रही थी पिछली गवर्नमेंट की कमी है, पिछली गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, पिछली सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार ने इस तरीके की हरकत पूरे प्रदेश में किसी बाल गिरा में, संरक्षण गिरी में,
और नारी संरक्षण गृह में इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई है। सरकार मिलकर के जो वर्तमान की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, ये मिलकर के लोगों का शोषण करने के लिए, संस्था वालों से पैसा वसूल करने के लिए ये सब कुछ उन्होंने करवाया है। और इसके लिए एक न एक हजार साक्ष्य देने के लिए मैं तैयार हूँ, जिसको जब भी पूछना हो पूछ ले। मैंने कहा था, मैंने कम से कम 20 बार पत्र लिखा कि अगर मुझे धन आवंटित नहीं कराना है तो मेरी संस्था को बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरी संस्था बंद न करके तीसरे दिन जांच हो रही थी, इसलिए कि जब इनके अंदर कमी मिले तब इनकी संस्था को बंद किया जाए, इनको जेल में डाला जाए और सारा इनका पैसा भी हम घोट लें। लेकिन मजबूर हो गया, 2015 में मैंने संस्था को बंद किया। अब धन भी मुझे कहीं से भिक्षा भी मिलने वाला नहीं था। लोग कहे कि क्यों परेशान भैया, बंद कर दीजिए। तब मैंने बंद किया। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को और सरकार को भी इस बात पर कि इतना बढ़िया संस्था चली थी, आदर्श बाल गृह आजमगढ़ की चली थी, बालिकाओं की कभी भी एक पैसे का ब्लेम नहीं लगा। लेकिन उसके बाद धन नहीं दिया गया। मैं सरकार को और अधिकारियों की एक बात बताना चाहता हूं कि अगर संस्था चलाना है, आपके लिए हर काम एडवांस मिलता है, लेकिन संस्थाओं से काम ले लिया जाता है, उसके बाद धन दिया जाता है और धन में 50% की असूली आप लोग कर लेते हो जी। और संस्था वालों को कहूंगा कि अपना फ्रंट बना लो, अन्यथा सरकार की सारे कामों का तिरस्कार करो कि हम सरकार का कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो घर द्वार भी सरकार आपका बिछवा देगी। अब बहुत ज्यादा बात न करके मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूं और पुनः एक बार करूंगा, एक बात और कहूंगा कि सरकार इसे सोच ले, अन्यथा देश की संस्था बिगड़ गई। देश का 70% नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही कार्य किया जाता है। अगर ये बिगड़ गई संस्था तो सरकार की भी मटिया मीट कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।